OTT की दुनिया में रेवोल्यूशन लाने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स भारत समेत दुनिया भर के 190 देशों में पसंद किए जाने वाले OTT प्लेटफॉर्म के आज 27 करोड़ 77 लाख पेड सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि नेटफ्लिक्स को साल 1997 में किराए की DVD प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया था। नेटफ्लिक्स अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी और कंटेंट को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है। यही वजह है कि कभी कभी घर घर DVD किराए पर भेजने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स ने OTT की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। नेटफ्लिक्स के सफर की शुरुआत 29 अगस्त 1997 को हुई थी। अमेरिकी एंटरप्रेन्योर रीड हॉस्टिंग्स और कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव मार्क रेंडोल्फ ने घर घर DVD को किराए पर भेजने के लिए इस कंपनी की शुरुआत की। नेटफ्लिक्स उस समय महज एक मूवी रेंटल सर्विस बिजनेस था। 1997 के समय फिल्मों को आसानी से देख पाना काफी मुश्किल होता था। ऐसे में मार्क और रीड ने DVD के जरिए लोगों तक उनकी फरमाइश पर फिल्में पहुंचाना शुरू किया। दोनों ने वेबसाइट netflix.com शुरू की, जहां एंटरटेनमेंट लवर्स मेल के जरिए अपनी पसंद की फिल्म का ऑर्डर देते थे। 2010 तक नेटफ्लिक्स कंपनी अपनी स्ट्रीमिंग और DVD रेंटल सर्विस से 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना चुकी थी। 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू की। इससे कोई यूजर कंप्यूटर पर TV शो और फिल्में देख सकता था। ये परमानेंट कंटेंट था। कंपनी ने लगातार ऐसे फैसले लिए जिससे उसके यूजर की संख्या बढ़ती गई। इसी स्ट्रेटजी के तहत नेटफ्लिक्स ने अपना कंटेंट एप्पल आईफोन आईपैड तक पहुंचाया। साल 2013 में नेटफ्लिक्स के लिए एक ऐतिहासिक साल था। इसी साल कंपनी ने अपनी पहली ओरिजिनल सीरीज लिली हैमर बनाई, जिसकी सक्सेस के बाद कई ओरिजिनल्स तैयार किए गए जो स्ट्रीमिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन लेकर आए। धीरे धीरे यूरोप के कई देशों में इसकी पहुंच बढ़ती गई और ओरिजिनल कंटेंट को पसंद किया जाने लगा। 2014 में ही एमी अवार्ड में इसके ओरिजिनल शोज को 31 नॉमिनेशन मिले और 3 अवार्ड भी जीते। 2015 में पहली फीचर फिल्म बीस्ट ऑफ नो नेशन बनाई। 2017 में नेटफ्लिक्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म व्हाइट हेलमेट्स के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। 2018 में फिल्मों और ओरिजिनल्स की संख्या बढ़ाई। इसी साल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 128 फिल्में और सीरीज जारी की गई। हिंदी ऑडियंस ने इसकी सेक्रेट गेम्स काफी पसंद की। इसके बाद से लगातार इसकी शोहरत बढ़ती गई। दुनिया भर में बढ़ते मोबाइल यूजर्स को देखते हुए अलग से इनके प्लान शुरू किए गए, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने सब्सक्राइब किया।